साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, जैसा कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर है, उसमें हम लास्ट वीडियो में बात करते थे डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट, हार्ट के बारे में जो हमने बात किया था डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट। अभी हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड वेसल्स है, जिसमें आर्टरीज एंड वेसल्स के जो बीमारी हो जाती है आर्टरीज और वेसल्स में, उसके मतलब कैसे होती है, क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और डिजीज जो बीमारी है उसका नाम क्या है, वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। साथियों, बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ ब्लड वेसल्स आर्टरीज, जो हमारे शरीर में आर्टरीज हैं उसमें जो है जो बीमारी होती है, जैसे आर्टेरियोक्लेरोसिस एक तरह की बीमारी होती है। क्या होता है, इट इज़ थिकनिंग एंड इन इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज जो होती हैं बॉडी के अंदर, उसमें क्या होता है, थिकनिंग, सकरी हो जाती हैं, जैसे फैट, कोलेस्ट्रॉल या सेलुलाइट किसी तरह से उसमें डिपॉजिट हो जाता है एक एज के बाद। और क्या होता है कि एक तरह से नैरो टाइप की हो जाती हैं, सकरी हो जाती हैं, जिसमें ब्लड जो है सर्कुलेशन बहुत धीरे धीरे होने लगता है, उसको हम आर्टेरियोक्लेरोसिस कहते हैं। और इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरीज हो जाता है, तो इट इज़ थिकनिंग एंड इलास्टिसिटी इज कॉल्ड आर्टेरियोक्लेरोसिस। सेकंड नंबर साथियों बात करेंगे आर्टेरियोक्लेरोसिस, इट इज़ थिकनिंग ऑफ आर्टेरियल वॉल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैट। जैसा कि आर्टेरियोक्लेरोसिस में बताया था, उसी तरह से सिमिलर है। इसमें क्या होता है, फैट कोलेस्ट्रॉल जो है आर्टरीज की जो वाल होती है उसमें डिपॉजिट हो जाता है, उससे ये समस्या उत्पन्न होती है, तो उसको हम आर्टेरियोक्लेरोसिस कहते हैं। नंबर तीन बात करेंगे डॉक्टर, एनोरिज्म। एनोरिज्म क्या होता है, इट इज़ ए लोकल एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एन आर्टरीज। जो लोकल जो हमारी आर्टरीज होती हैं उसमें डायलेशन हो जाता है, एंड इट इज़ क्लासिफाइड इन द थ्री ट्राइब, जैसे फ्यूजी फॉर्म एंड सेकुलर एंड डिसेंटिंग। इसमें डायलेशन ये होता है कि मतलब डायलेट हो जाती हैं, जैसे सिकुड़ जाती हैं या पिचक जाती हैं या किसी तरह से अवरोध हो जाता है उसमें, और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो जो है एनोरिज्म कहते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे नंबर चार, इम्बोलस। इम्बोलस क्या होता है, इट इज़ ए क्लॉट, एक तरह से ब्लड का जो है थक्का बन जाता है मूविंग इन सर्कुलेशन। और जो ब्लड बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसमें जब मूव कर जाता है एंड बिकम्स इम्पैक्टेड इन ए स्मॉल वेसल्स, और इन स्मॉल वेसल्स में जाके अवरोध करता है, किसी तरह से समस्या पैदा करता है, हमको इम्बोलस, उस बीमारी को हम इम्बोलस कहते हैं। नंबर फिफ्थ बात करेंगे थ्रोम्बस, THROMBUS, थ्रोम्बस, इट इज़ ए क्लॉट ऑब्स्ट्रक्टिंग ए ब्लड वेसल्स। थ्रोम्बस एक तरह से ब्लड का थक्का बन जाता है, जम जाता है, और जो ब्लड वेसल्स हैं जो उसमें ब्लड बह रहा होता है उसको जो है ऑब्स्ट्रक्शन, किसी तरह से अवरोध पहुंचाता है, डिस्टर्ब करता है एट ए पॉइंट वेयर इट इज एक्चुअली फॉर्म्ड, जहाँ से ये बनता है, तो उसको हम थ्रोम्बस कहते हैं। जैसे वेन्स होती हैं, कभी कभी क्या होता है कि बहुत मोटी हो जाती हैं, तो उसमें क्या होता है ब्लड का थक्का बन जाता है, तो वो थ्रोम्बस कहलाता है। साथ ही साथ डिसऑर्डर्स ऑफ ये ब्लड वेसल्स, साथ डिसऑर्डर्स ऑफ वेन्स की बात करेंगे तो कहेंगे फिलीबिटिस। फिलीबिटिस है PHLEBITIS। इसमें क्या होता है, इट इज इन्फेक्शन ऑफ द वेन वॉल ड्यू टू इन्फ्लामेशन एंड इंजुरी, किसी तरह से आघात लग जाता है या सूजन आ जाती है वेन के अंदर, उसको हम फिलीबिटिस कहते हैं। क्या इन्फेक्शन हो गया या कोई कीड़ा काट लेता है, इस वजह से जो बीमारी होती है उसको फिलीबिटिस कहते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे वीनस थ्रोम्बोसिस। इसमें क्या होता है, इट इज ए ब्लड क्लॉट ऑब्स्ट्रक्ट वेन। ब्लड जो वेन होती हैं हमारी, वेन के अंदर जो ब्लड जो है उसका क्या होता है, क्लॉट हो जाता है, थक्का जमता रहता है, और वो किसी तरह से अवरोध पहुंचाता है, असुविधा करता है ब्लड सर्कुलेशन में, तो उसको हम वीनस थ्रोम्बोसिस बीमारी को कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रोम्बोफिलिबिटीज। थ्रोम्बोफिलिटीज में साथियों क्या होता है, इट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ वेन कॉम्प्लिकेटेड बाई ऑब्स्ट्रक्टिंग क्लॉट, और वेन में जो है सूजन आ जाती है, सूजन किसी वजह से हो सकती है, किसी तरह का आघात लगा है या एक्सीडेंट हुआ है या कोई इन्फेक्शन है, और उससे क्या होता है कि मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है ऑब्स्ट्रक्टिंग, और क्लॉट जो है उत्पन्न हो जाता है, इसको हम थ्रोम्बोफिलिबिटीज कहते हैं। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी चैप्टर में जो है, जैसे
जिसको हम वेरिकस वेन कहते हैं, या इस तरह से वीडियो बड़ी ना हो इसलिए अभी इसको विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है ज़रूर हमें कमेंट करें, हम उसका आंसर देंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें साथियों। नमस्कार।